ना। तो इस आसन पर जो बैठ गया, चाहे आप हो चाहे ये हो भास्कराचार्य जी हो, तो ये गुरुदेव की भूमिका हो गई। तो ये आज के जो गुरु जी हमारे भास्कराचार्य हो गए, हर दिन हमारे गुरु जी लोग बदलते रहते हैं। कभी मैं गुरु हो जाता हूँ तो कभी आप लोग हमारे गुरु हो जाते हो योग की इस क्लास में। तो आज षणमुखी जी एबसेंट है, तो ऑल ऑफ सडन जब भी कोई नहीं आएगा तो भास्कराचार्य जी करेंगे। तो भास्कराचार्य जी आज करेंगे। इससे पहले मैं एक बार मैं अपने बच्चों का और उनके पेरेंट्स का योगा एट द रेट ऑफ 7 में आपका स्वागत करता हूँ। और श्लोक नहीं सुनेंगे। हाँ, पहले स्वागत कर लूँ बेटा, क्लास में हम आ गए, इसका स्वागत कर लेते हैं। इसके बाद हम श्लोक भी सुनेंगे। लगता है आज हमारे बच्चे श्लोक तैयार करते हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। यस याद किया था। और चलो, सर, तो सबसे पहले योगा एट द रेट ऑफ 7 में मैं उन सभी परम शुद्ध आत्माओं का तहे दिल से, भगवत कृपा से, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के आशीर्वाद से, लोगों की प्रेरणा से, भगवान भी प्रेरणा स्रोत होते हैं, क्योंकि भगवान ने जो दिखाया है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। तो भगवत प्रेरणा और भगवत आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, मैं परम पिता परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार, मेरे बच्चों का कल्याण हो, उनके परिवार कल्याण हो, और सबको अपनी मंजिल की प्राप्ति हो, सबको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि जितने भी अच्छे लोग हैं वो और समृद्धिशाली बने, उनके अंदर वैभव, उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं वो और फैले। और अच्छे लोगों के पास धन संपत्ति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अच्छाई के पास साधन होते हैं तो उस अच्छाई का और विस्तार होता है। इसलिए अच्छे लोगों को धन के प्रति अनासक्ति का भाव नहीं होना ये अलग उद्देश्य है, जिंदगी का उद्देश्य है, जिसे कहते हैं कि अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। तो उत्तम पुरुषों का जो है मूल जो उद्देश्य होता है जीवन का, वो मान होता है, इज्जत होती है। केवल पैसे रुपये की चिंता तो केवल नीच पुरुष करते हैं, लेकिन हम आर्थिक जगत में रहते हैं। आज रिलायंस के पास पैसा है, आज टाटा के पास पैसा है, तो टाटा अपने पूरे एसेट्स का जितना भी वो अर्न करते हैं उसका 40% लोगों को चैरिटी में देते हैं। ऐसा कोई भी बिजनेसमैन दुनिया का शायद नहीं करता होगा जो काम टाटा जी करते हैं, रतन टाटा जी करते हैं। इसलिए बाकी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट में मुझे रतन टाटा का सम्मान बड़े ही मैं गौरव के साथ देता हूँ, अजीम प्रेम जी का भी नाम बड़े प्यार से मैं लेता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि जिन जो हमारे बच्चे हैं जिनमें अच्छे संस्कार हैं, उस ऐसे बच्चे बहुत ऊंचाई पर जाए, और आप सतत मेहनत करते रहें। केवल ये नहीं कि हम योगा की क्लास में डिसिप्लिन है, फिर बाद में अपने पेरेंट्स से अच्छी भाषा में बात नहीं करते हैं, अपने भाई से अच्छी भाषा में बात नहीं करते हैं, अपने कर्म के प्रति जागरूक नहीं है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए आपकी सार्थकता तभी है जब आप इस व्यवहार को, जो आप इस योगा एट द रेट ऑफ 7 AM कि जो इस 1 घंटे की लगभग क्लास है, तो इस क्लास में, उस कक्षा में जिस तरीके का हम व्यवहार दिखाते हैं, यही व्यवहार इस क्लास के बाद भी आपके साथ रहे, यही मैं प्रभु से कामना करता हूँ। यही हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और यही हमारी प्रेरणा है आपके लिए, यही हमारे मन की बात है आपके लिए। तो इस मन की बात के साथ मैं आज एक बार पुनः अपने उन सारे लोगों को जिनकी प्रेरणा से मैं इस कार्यक्रम को शुरू कर मैं चला रहा हूं, और आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, जो हमेशा ही बना रहता है, भले ही पेरेंट्स कभी कभी आपकी गलतियों पर गुस्सा कर देते हैं, मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन कोई भी पेरेंट्स, दुनिया का कोई भी पेरेंट्स, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हूँ, कभी भी अपने बच्चों का अहित न सोचते हैं न करते हैं। और बच्चों को अपनी प्रेरणा से योग की क्लास में आना चाहिए। जैसे आप लोग आ जाते हो, अदिति बिष्ट तो लगता है रात में सो नहीं पाती है, वो तो इंतजार करती है कब सवेरा हो और योगा की क्लास में मैं फर्स्ट हो जाऊं। एम राइट अदिति? यस अदिति, सर। हाँ, वही हाल मनीषा का भी है, वही हाल जाह्नवी का भी है। प्रिया कभी कभी लेट हो जाती है,
लेकिन प्रिया जो जो भी आती है वो तो बोल्डली आती है कि सर मैं लेट हुई तो मैं इसलिए। प्रिया की एक बात जो है दमदारियत मुझे बड़ी पसंद आती है, वो जो भी बोलेगी एकदम तो उसका सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सुजांशु फ्यूचर IAS है ना, और एक दिन देखो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टोर करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। एक एक्टिविटी मेरे दिमाग में आ रही थी सर आज कि तो यही है ना सर, वो कंट्रीज और उसके कैपिटल्स, हाँ, एशियन एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज है हाँ, कंट्रीज और हाँ वेरी गुड। और आज एंड मैं ओरल टेस्ट लूंगा है ना, ओरल मैं ऐसे ही पूछूंगा ताकि आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहे, कैमरा ऑन कहीं से भी पूछ लूंगा। हाँ समझ में आ गया प्रिया हंसती, हाँ समझ में आ गया प्रिया कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ चलो वेरी गुड। तो ये मैं एक और मेरे दिमाग में एक एक्टिविटी आ रही थी कि बच्चों को आपका जीवन का प्लान क्या है, ठीक है, मतलब आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, आपका जीवन का उद्देश्य क्या लेकर चल रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आपने कुछ तो उद्देश्य बनाया होगा ना, अगर नहीं बनाया है तो जल्दी सुना लीजिए, क्योंकि उद्देश्य विहीन जो जीवन होता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए जीवन में एक उद्देश्य एक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, ठीक है। तो जीवन में एक लक्ष्य जब निर्धारित होगा तब हम क्या होता है, जैसे आप फुटबॉल के मैच में देखो, हॉकी के मैच में देखो, या क्रिकेट के मैच में देखो, क्रिकेट के मैच में अपोजिशन टीम का भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट खोकर 50 ओवर में 324 रन बनाए, भारतीय खिलाड़ी क्या सोच रहे होंगे कि हम बिना विकेट खोए हम विकेट बचाएं और 324 रन बना डालें, यही तो लक्ष्य होगा ना, ठीक है। हाँ फुटबॉल का मैच है, भारत और किसी के साथ मैच हो, हाँ जिसको भारत चलो आसानी से हरा देता है, पाकिस्तान को ले लिए, ठीक है, पाकिस्तान का मैच है तो भारत के खिलाड़ी क्या चाहेंगे कि हम जो बॉल है उस बॉल को हम पाकिस्तान के प्लेयर को न दें और ऐसे घुमाते हुए ऐसे घुमाते हुए ऐसे घुमाते हुए ले चले और पाकिस्तान के गोल पोस्ट में डाल दें। उद्देश्य 11 प्लेयर का उद्देश्य क्या है कि हम गोल, 10 प्लेयर का उद्देश्य क्या है कि हम गोल पोस्ट में बॉल को डाल दें और 1 प्लेयर हम गोल को गोल पोस्ट में न डालें, मतलब गोल कीपर। उद्देश्य आप देखो हॉकी का मैच हो क्रिकेट का मैच, मतलब गेम ले लो और पढ़ाई ले लो, ठीक है। एक माँ का उद्देश्य क्या होता है, हम ऐसा खाना बनाए कि हमारे बच्चे सारा खाना किचन का खत्म हो जाए है ना, और कि रोटी बन नहीं रहे और बच्चे खाए नहीं, दूध मम्मी दे दे गर्म कर दे, हल्दी दूध दे दे, बच्चे नहीं छाली पड़ गई है ना, करते हो ना नाटक, कितने यस सर बच्चे छाली वाला नाटक करते हो जरा कि हमारे दूध में छाली पड़ गई है, नहीं करूंगा, कितने बच्चे करते हो जरा ऑनेस्टली बताओ, मलाई मलाई। खाली क्या आता है अच्छा हाँ चलो ठीक है, जीके को क्वेश्चन है ये, छाली का मतलब होता है उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम देते हैं, इसको आप मलाई कह दो, मलाई सर? ऊपर मुझे से दूध पड़ती में छाली बहुत पसंद है है, सर। सब मैं जैसे सुनो। बोलती हूँ तो मम्मी तो छान के दे देती है अच्छा कौन जानवी बोल रही है, सर। छान के दे देती है ना, छाली को उसको पी लिया करो, मलाई को पी लिया करो, ठीक है समझ रही हो, ठीक है। आज अब मैं कभी ऑल ऑफ सडन फोन भी कर दूंगा, मैं समझ रहे हो, मैं ओके बैंगलोर में सर था तो बच्चों के घर पहुंच जाता था, तो करो कोरोना की वजह से तुम लोग बच गए हो, फिर तभी तक हम कितने दिन घर में पहुंच जाते और मैं अपने घर का खाना बचा लेता और आपके यहाँ हलवा पकौड़ी खा के आ जाता। चलो ठीक है, तो सब लोग मलाई वाला दूध पी लिया करो, और देखो ऊपर से जो घी खाते हैं ना शुद्ध घी वो फायदेमंद होता है, पराठे में जो घी लगता है ना वो नुकसानदायक, ये जान, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये सब तो हमारे सामान्य बातें हैं जो कि बच्चों के स्वास्थ्य, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और हमारे स्कूल वाले बच्चों के स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और हम चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहा हूँ कि जो योग का जो की जो प्रार्थना है वो प्रार्थना में सोचता हूँ कि मैं गाऊं, क्योंकि मैं कुछ देख रहा हूँ कि वेरिएशंस हो जा रहा है ना, तो मैं गाता हूँ और आप लोग केवल मैं प्रार्थना गाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है ना ये फेल्योर थोड़ा सा हो जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा, और मेरा मानना है कि प्रार्थना बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आज मैं प्रार्थना कर लूंगा, ओके। इसके बाद भास्कराचार्य जी, भास्कराचार्य के चश्मे से
आंखों पर से चश्मा जब तक मैं नहीं उठाता हूँ ना, तब तक उनको मजा ही नहीं आता। ठीक है, तो मैंने हटा लिया। ठीक है, और अब हम प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। और थोड़ा सा पैर को जैसे है ना, ऐसे मैंने फैला दिया, तो ऐसे पैर फैला दिए जमीन पर। ठीक है, ऐसे जमीन पर फैला के थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे थोड़ा सा घुमा दिया ऐसे। ठीक है, ठीक है, ताकि श्लोक नहीं हाँ, करेंगे तो फिर आप श्लोक नहीं सुनेंगे। नहीं, अभी अभी बीमार है बेटा, क्योंकि मेरे पैर में अचानक दर्द हुआ ना, इसलिए मैंने कहा कि जरा ये भी कर ले। आ जा श्लोक। नहीं श्लोक लास्ट में होगा बेटा, श्लोक शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं श्लोक। अच्छा वो, ओके ओके, वो वाला श्लोक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो प्रिया सिंह ने पहले बोला था, प्रिया सिंह से स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रिया सिंह, मनीषा, जाह्नवी और कौन बच्चे करेंगे श्लोक का वाचन? कौन सर बच्चा रखी करेंगे? भाव्या, ओके। और मैं बताओ अदिति, ये कौन और प्रिया सर तो बोल रहा है क्या? सूर्यांशु अच्छा सूर्यांशु का वो, अच्छा इसमें क्लिक नहीं कर रहा, उसमें मोबाइल में क्लिक हो रहा। चलिए चलिए बोलिए। हाँ प्रिया सिंह, चलिए रेडी। ओके यस सर मैं शुरू करूं। हाँ बेट सुरी स्टार्ट। ओके सर अनुलोमीन प्रतिलोमेन दुर्जनम अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रुविनयन बलेन वा अर्थात बलवान शत्रु को उसके अनुकूल व्यवहार करके दुर्बल शत्रु को तो मतलब दुर्बल शत्रु को अपनी शक्ति के द्वारा और सम्मान समान बल और वाले शत्रु को विनय या बल से वश में करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि परिस्थिति के अनुसार अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु अपने से बलवान है तो विनय पूर्वक उसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। दुष्ट दुर्बल शत्रु पर बल प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब यही देख लो कि इजराइल जो है फिलिस्तीन पर जो आक्रमण कर रहा है, हमास को लेकर, फिलिस्तीन पर नहीं माना जाए, हमास के ऊपर। नाम सुना है? मैं जो नाम ले रहा हूँ तो देखो, इजराइल पावरफुल है, दुर्बल के ऊपर वो क्या हुआ, अपना घोसा दिखा रहा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को देख लो, भारत जो है पाकिस्तान को अपना घोसा दिखाता है, लेकिन चाइना के ऊपर, अभी तक हमने पाकिस्तान को बराबर किया हुआ था, अब थोड़ा सा भारत ऊपर हो गया है, उसको दिखा रहा है घोसा। और लेकिन चाइना के साथ हम क्या करते हैं, डरते हैं क्या? नहीं, तो उसको विनय के साथ, प्यार के साथ हम लोग दिखाते हैं, डर नहीं रहे हम, लेकिन अलग बात है। लेकिन तीरू कितना बढ़िया चाणक्य ने कितने साल पहले किया, इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का ज्ञान को समझना है तो संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनीषा यस सर ये ज्ञान विद्यान तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणों न बहुत धर्म ते मृत्य लोका भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। सुंदर। इसका अर्थ का वाचन कीजिए बेटा। यस सर सर जिसके पास न विद्या है न तप है न उसमें दान देने की प्रवणता है न ज्ञान है निम्रता नहीं है ज्ञान गुण और धर्म की भावना भी नहीं है ऐसे मनुष्य पशु के रूप में संसार में जन्म लेते हैं। ओके, बहुत सुंदर बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्या सब कुछ है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या प्रच्छन्न गुप्तं धनम। ठीक है, तो ये विद्या के बिना सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ विद्या है। ठीक है, और वो विद्या अच्छी है जो विद्या ददाति विनयम, वो विद्या अच्छी। चलिए आगे हम जाह्नवी के पास चलते हैं। जाह्नवी, जाह्नवी हैंग हो गया, जाह्नवी का सिस्टम हैंग हो गया, इसके कॉल सुनाएगा मोबाइल। नेक्स्ट, सारे सिस्टम हैंग हो गए। सर हाँ सुनाओ बेटा। मैं यस सर धन धान्य प्रयोगेषु वाह वाह, विद्या संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च तप्तलज्ज सुखी भवेत। बहुत सुंदर। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में विद्या के संग्रह में
भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। बहुत बहुत सुंदर, क्या फ्यूचर आईएएस, क्या बात बोला है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो चाणक्य के आहार व्यवहार अच्छा, तक लग्जा सुखी हो ना, सब कुछ मतलब क्लास में है तो संकोच कर रहे हैं कि क्वेश्चन मैथ्स का समझ में नहीं आया, लेकिन सर क्या सोचेंगे, मैडम क्या सोचेंगे, झूठ मूठ का इम्प्रेशन के चक्कर में फंस। अरे कोई इम्प्रेशन नहीं, जिस दिन आईएएस बन जाओगे, जिस दिन पीसीएस बन जाओगे, किसी कंपनी के डायरेक्टर बन जाओगे, है ना, उस दिन मैडम याद करेंगे, इस बच्चे को मारते थे लेकिन ये बच्चा आईएएस बन गया, ये बच्चा डायरेक्टर बन गया। उस दिन की सोचो, आज की क्यों सोच रहे हो, ठीक है, आज की बस सोचो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, मुझे किसी भी तरह जानना है, खत्म। कहा मैडम क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे, संकोच कर रहे हैं, है ना, आगे बढ़ो, ठीक है, वेरी गुड श्रेया, बहुत सुंदर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए भास्कर, अच्छा हाँ हाँ बोलो, सुना भाई, क्या सर, यस सर, बोलो, भव्या, यस सर, अभिवालत शीलस क्या हूँ, बिल्कुल नित्यवद्धो पसेवन चत्वारे संप्रोवर्धते कीर्ति ये राश्यु यशो बिल्कुल बलमा। अर्थात गुरुजनों के सम्मान करने के स्वभाव वाले तथा सदा अनुभव वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य के सामने आयु यश तथा बल के चारों बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया, लेकिन अभिवादन सिलेक्शन नित्यंग चतवारी तरह से वर्धन थे आयु भी दिया, बहुत सुंदर। हाँ चलिए, अब कौन है, जानवी नहीं है, जानवी नेटवर्क का इशू हो गया, चलिए सुना दो, इसका स्टार्ट करो। विद्या ददाति विनयम्, विनया दयाति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्म ततः सुखम। इसका अर्थ कि विद्या प्राप्त करने से पहले हमें विनय प्राप्त होना चाहिए, यानी विद्या ददाति विनयम, फिर विनया दयाति पात्रताम। जब विनय प्राप्त हो जाए तब विद्या को प्राप्त करनी चाहिए, और जब विद्या प्राप्त हो जाए तो विद्या की इज्जत भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर चेन रिएक्शन है, विद्या दाति विनय, पहले नहीं है, विद्या से हमको विनय मिलता है, हम्बलनेस मिलता है ना, ऐसे है, विद्या दाति विनय, विनय दाति पात्रता, और विनय जो हो, जो हम्बुल होता है उसके में पात्रता आ जाती है, मतलब योग्यता आ जाती है उसके अंदर, वो स्किल आ जाता है, इसलिए जो बच्चे हम्बुल होते हैं उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, और जो बच्चे हम्बुल नहीं होते हैं उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, बहुत कठिनाइयां होंगी, और हो सकता है बिल्कुल नहीं होंगी, तो इसलिए हम्बलनेस होना चाहिए, चाहे आप पढ़ा, आपके पास ज्ञान हो गया, कुछ बच्चे क्या होता है कि थोड़ा सा नॉलेज हो गया, टीचर की टांग खींचने लगते हैं, मतलब टीचर की कमी निकालने लगते हैं, या अपने से बड़ों का की कमी निकालने लगते हैं, तो ये अच्छे व्यवहार नहीं है, तो ये इसको हम बार बार बोलते रहते हैं, इसलिए ताकि हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर इस तरह के संस्कार आए। चलिए इसी के बाद से और कोई है प्रस्तुत करने वाला, नहीं है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, श्लोक का वाचन करते हैं, चलिए आंखें बंद कर लेंगे, चलिए हाँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलम शरीरस्य च वैदिकेन, मलम शरीरस्य च वैदिकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिप्राञ्जलिरानुतस्मि, 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 सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग करने वाले हैं योगा, तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे सूक्ष्म प्राणायाम से, जो कि हम सबसे पहले पद्मासन में बैठेंगे और सुषमा आसन, सूक्ष्म आसन।
तो इस तरह हाथ ऊपर कर लेंगे शोल्डर लेवल पर, और फिर ऐसे ऐसे करेंगे 5 से 10 बार। ये हो जाने के बाद हम लोग अपने एक हाथ को ऐसे पाम को फैलाएंगे और दूसरे पाम से इसे खींचेंगे अपनी तरफ आराम से, ठीक है दूसरे हाथ से भी करेंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग अपने हाथों की एक्सरसाइज करेंगे और उसे शोल्डर लेवल पे करके इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे रिस्ट को 10 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करेंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाने के बाद हम लोग कंधे पे हाथ रखेंगे, और लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे दर्द होगा उसके लिए ये कर सकते हैं ऊपर नीचे, और ये फ्रंट रोटेट बैक रोटेट। उसके बाद कंधे पे हाथ रख के इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एक बड़ा सा गोला बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब हम करेंगे नेक की एक्सरसाइज। नेक की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट 10 बार करेंगे, और जब हम लेफ्ट एंड राइट का ये कर रहे होंगे नेक एक्सरसाइज, तब हम लोग को पद्मासन में बैठना है इस तरीके से, फिर डाउन एंड अप, इसे भी 10 बार करेंगे, और इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज लेफ्ट एंड राइट में किया था, इसे भी 10 बार करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे फ्रंट रोटेटिंग 180 डिग्री, यानी हाफ बैकवर्ड बैकबोन स्ट्रेट, स्ट्रेट इसे भी 10 बार कर लेंगे ताकि जो नेक में दर्द हो रहा हो वो खत्म हो जाए। ये हो जाने के बाद हम लोग करेंगे आइज की एक्सरसाइज। आइज की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट करेंगे। सबसे पहले अप एंड डाउन कर लेते हैं 10 बार, और ये करते समय आपको एक्सट्रीम लेवल पे देखना है कि आपकी आइज कहाँ तक जा रही है, बैकबोन स्ट्रेट रहेगी, गर्दन नहीं हिलेगी। 10 बार करने के बाद लेफ्ट एंड राइट करेंगे, इसमें भी वही है एक्सट्रीम अप्लाई करेंगे हम लोग, कहाँ तक आइज जा रहे हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपने थंब को, कोई भी फिंगर को ले सकते हैं और उस पॉइंट तक ले जा सकते हैं जहां तक आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो जाने के बाद हम लोग एक पॉइंट को देख लेंगे, जैसे कि अपने फिंगर ऐसे रख लेंगे और फिर उसको देखेंगे, और फिर इस तरीके से एक तो घुमाएंगे ताकि हम लोग अपना चेक कर सकते कहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। ऐसे राउंड राउंड में भी देख सकते हैं, राउंड राउंड करके इसमें गर्दन नहीं हिलानी है। ये हो जाने के बाद हम लोग करेंगे त्राटक क्रिया, जिसको हम लोग एक पॉइंट देख लें, फिंगर को रख लें और फिर उसको देखकर बार बार ब्लिंक करेंगे जल्दी जल्दी। जितना जल्दी हो सके ब्लिंक करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे ताड़ आसन। चलिए ताड़ आसन के लिए हम लोग उठ जाएंगे,
नमस्कार। लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, ताकि सभी अंगों का हमारा जो आसन है वो हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले खड़े होंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः। ठीक है, तो इसके करने के बाद सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। फिर धीरे 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 नीचे अपने टोज को छूने का प्रयास करेंगे और उसके बाद राइट लेग आगे, दोनों हाथ राइट लेग के बराबर पर आएंगे और आसमान की तरफ चेहरा होगा। ये हो जाने के बाद हम लोग करेंगे पर्वत आसन, जो कि पर्वत की शेप में होता है। साइटिका जो प्रॉब्लम है गुरुजी ने बताई है, उसके लिए फायदेमंद है। इसके बाद नीचे फिर भुजंगासन, फिर हम लोग पर्वतासन करेंगे, वही आसन जो साइटिका की प्रॉब्लम को हटाता है। फिर लेफ्ट लेग आगे और फिर इस तरीके से ऊपर देखेंगे, फिर ऊपर आएंगे तो उसको छुएंगे बिना पैर मोड़े और फिर सांस लेते हुए पीछे और फिर से वही मंत्र बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः। इसको एक और बार करेंगे, ओम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए पीछे और फिर नीचे जाएंगे, टोज को छुएंगे बिना पैर मोड़े, फिर राइट लेग आगे और आसमान की तरफ, दोनों हाथ बराबर पर राइट लेग के, फिर पर्वतासन, दोनों एड़ियां टच होंगी जमीन से, फिर नीचे आएंगे, फिर भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, फिर ऊपर आएंगे धीरे धीरे, फिर सांस लेंगे पीछे और फिर ओम सूर्याय नमः। ये हो जाने के बाद हम लोग करेंगे ताड़ासन, जिसको करने के लिए हम लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे और सांस लेते हुए जो है अपने सर के ऊपर ले जाएंगे और उसे इस तरीके से लॉक कर लेंगे और फिर उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। सांस लेते हुए आराम से और इस तरीके से, हो सके तो आप लोग सामने दे, अधिकतर लोग सामने देखते हैं, आप लोग ऊपर भी देख सकते हैं अपने हाथ को। फिर धीरे धीरे टोज नीचे आएंगे और फिर सर पे रख के हाथ धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, इसे एक और बार बोलेंगे सॉरी करेंगे और बिना बोले। ये हो जाने के बाद हम लोग करेंगे वृक्षासन, जिसको हम लोग खड़े होकर करते हैं। इसको करने के लिए ऐसे पैर रखेंगे अपने थाई पे और फिर हाथों को ऊपर ऐसे कर लेंगे और जोड़ लेंगे, ट्राई करने की हमारा बैलेंस बना रहे। करीब 2 मिनट तक इसे करेंगे या फिर 1 मिनट। धीरे धीरे हाथ नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए और पैर को आराम से नीचे, इसे दूसरे पैर से भी करेंगे, हाथ ऊपर इस तरीके से करेंगे।
और जब नीचे आएंगे तो धीरे धीरे इस तरीके से आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग को करना है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे और फिर इस तरीके से इसे करेंगे और पैरों को पकड़ लेंगे जो एंकल्स के नीचे एरिया, सांस लेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। बीच में सांस नहीं लेना है, इसे एक और बार करेंगे, सांस लेते हुए पैर ऊपर पकड़ लेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर लेंगे सांस और फिर ऊपर हो जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर सांस छोड़ते हुए नीचे आराम की मुद्रा में इस तरीके से। एक मिनट आराम करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे नौकासन। नौकासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पीठ के बल लेटना होगा इस तरीके से और फिर सांस भरते हुए पैरों और सर को एक लेवल पर लाना होगा जिससे कि नौका के शेप बने इस तरीके से। एक डेमो दिखाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे, अगर झटके से नीचे आएंगे, जट से नीचे आएंगे तो क्रैम्प आ सकता है। इसे एक और बार करेंगे। घुटनों को नहीं छूना है उंगलियों से, धीरे धीरे नीचे आएंगे और हर आसन का एंटी पोस्चर करना जरूरी है लेकिन इससे पहले आराम है ताकि जो हमने एक्सरसाइज किया उससे जो पेन हुआ उसका दर्द जो है धीरे धीरे कम हो। उसके बाद उसका एंटी पोस्चर करेंगे। फिर ये करने के बाद हम लोग करेंगे इसका एंटी पोस्चर जिसका नाम है चक्रासन। चक्रासन को करने के लिए सबसे पहले पैर फोल्ड करेंगे और फिर हाथों को ऐसे मोड़ लेंगे, लेकिन ये सब करने से पहले अपने कपड़े सही कर लें। हमारे प्रशांत आचार्य भी कर रहे हैं। फिर ऐसे आएंगे, जी भी करेंगे हमारे साथ और फिर इस तरीके से लेटने के बाद सांस लेते हुए पैर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ पास सर के पास, फिर सांस भरते हुए हम लोग ऊपर उठ जाएंगे जैसे कि ये। फिर लौटते समय धीरे धीरे नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए, फिर ऐसे घुटने को मोड़ लेंगे और अगर हम लोग इसमें अपनी नाक को सटा दें ये फिर मुंह को तो उसे हम लोग रोलिंग ऑन द सॉरी पवन मुक्त आसन कहते हैं। और इसके बाद हम लोग करेंगे रोलिंग ऑन द बैक जिससे कि जो पेन हुआ है वो खत्म हो जाए।
चक्रासन, चक्रासन से जो पेन हुआ होगा पीठ में, इसके बाद हम लोग करेंगे सर्वांगासन। ये करने के लिए हम लोग इसे लेट जाएंगे, सांस भरते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर पीछे चले जाएंगे, जो कि हलासन की मुद्रा होगी। फिर लौटते समय हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगासन करेंगे और फिर जब लौटेंगे वापस एंड करेंगे इसे, तो धीरे धीरे पीछे आएंगे और फिर 90 डिग्री का एंगल बना के आराम से पैरों को जमीन पर रखेंगे, कुछ इस तरीके से। फिर इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए पीछे, फिर सर्वांगासन ये है, फिर पीछे जाएंगे एंड करने के लिए उसी तरीके से जैसे हलासन किया था। फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, आप लोग स्क्रीन पे गुरु जी को देख सकते हैं, उनका जो टो है वो जमीन से टच हो जा रहा है, यानी कि पूरी फ्लेक्सिबिलिटी जमीन से होना चाहिए, लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। इसे एक और बार करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर सर्वांगासन, फिर सांस लेते हुए 90 डिग्री का एंगल बना के सांस छोड़ते हुए नीचे, और फिर थोड़ा देर आराम। थोड़ा सा आराम करेंगे ताकि जो इतने सारे एक्सरसाइज किए हैं, जो हमने एक्सरसाइज किए इतने सारे आराम करेंगे उसके लिए, ताकि जो इतना ज्यादा पेन हुआ है, जितना भी पेन हुआ हो सारा खत्म हो जाए और फिर हम लोग आसन से प्राणायाम की तरफ चलते हैं। तो प्राणायाम की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन हाथों को ऐसे इस तरह फैला के करते हैं, इस तरीके से। जब आप अपने राइट लेग, अपने राइट तरफ ले जाएंगे अपने लेग को, पहले सबसे पहले पैरों को फोल्ड कर देंगे, राइट तरफ दोनों लेग्स को ले जाएंगे और फिर सर लेफ्ट की तरफ श्वास छोड़ते हुए, फिर जब बीच में आएंगे तो सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और फिर लेफ्ट साइड छोड़ेंगे पैरों को और राइट साइड देखेंगे। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, इसे 5 से 10 बार करेंगे, लेकिन अभी समय की कमी के कारण हम लोग थोड़ा जल्दी इसे खत्म करेंगे, समाप्ति देंगे। सबसे पहले अब हम करेंगे प्राणायाम और कपालभाति, पद्मासन में बैठेंगे और फिर मुद्रा ले लेंगे इसकी इस तरीके से, और इस तरीके से जब हाथ रख लेंगे घुटनों के पास, तो जो है हम लोग क्या करेंगे कि सांस छोड़ेंगे जल्दी जल्दी, इस जो प्राणायाम को हम लोग 5 से करीब 10 बार करेंगे, लेकिन इससे 30 बार भी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते ज्यादा। दो राउंड करेंगे।
थोड़ा सा रेस्ट लेंगे एक राउंड के बाद और फिर वापस कंटिन्यू कर लेंगे। कपालभाति का दूसरा राउंड भी एंड होता है। ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ा सा विचार होने वाले फायदे पर, इससे क्या क्या पॉजिटिविटी आई हमारे मन में। सर इसको करने के बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका। तो इसको करने के लिए वही मुद्रा है कपालभाति वाली, लेकिन सांस लेके जल्दी जल्दी छोड़ेंगे। ये हो जाने के बाद फायदे के ऊपर विचार करेंगे। क्या हमें कौन कौन से फायदे हुए हो रहे हैं या फिर होंगे अगर हम दूसरा कोई प्राणायाम करेंगे तो। फिर अब हम आएंगे उज्जाई पे। उज्जाई के लिए भी वही पोज है, बस चीजें अलग अलग हैं। तो इसको करने के लिए आपको पहले सांस छोड़नी है और फिर गले को सिकोड़ लेना है, सर नीचे करके और आवाज निकालनी है जैसे गुरु जी कर रहे हैं। इसको करते समय खांसी भी आ सकती है। एक और बार करेंगे। इसको करने के बाद इसके फायदे पर विचार करेंगे और इस प्राणायाम को करने से जो आपको मेनली फायदा क्या होता है कि जो आपका कफ है पुराना हो या फिर अभी नया जो बन रहा है वो खत्म हो जाता है और थायराइड ग्लैंड्स जो कि इधर होते हैं उसमें एक बीमारी होती है थायराइड, तो वो बीमारी खत्म हो जाती है। तो इसे ट्राई करेंगे जरूर और इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम, उसके बाद ओंकार और फिर मेडिटेशन। अनुलोम विलोम करने के लिए पद्मासन में बैठेंगे या फिर सुखासन में भी बैठ सकते हैं। फिर इसको करने के लिए इस तरीके से अपने दाईं नोस्ट्रल को थंब से बंद करेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे और फिर इन दो फिंगर्स से जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसे क्लोज करेंगे और फिर राइट नोस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे। फिर राइट नोस्ट्रल से लेंगे, थंब से क्लोज करेंगे राइट नोस्ट्रल को, लेफ्ट से छोड़ेंगे। यही प्रोसेस होगा और इसको 10 बार करेंगे।
ये हो जाएगा, जब ये हो जाए अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो इसको करने के बाद हम करेंगे ओंकार, यानी ओम का उच्चारण। तो इसको करने के लिए पद्मासन में बैठेंगे और भ्रामरी कर लेंगे। हाँ, भ्रामरी कर लेंगे, गुरु जी बोल रहे तो। सांस लेंगे और भौरे यानी हनी भी की आवाज निकाल हो जाने के बाद, तीन बार हो जाएगा तब हम लोग थोड़ा सोच विचार करेंगे, तब उसके बाद हम करेंगे ओंकार। जैसा कि इसे करने से पहले, ओंकार को करने से पहले मैंने बताया कि ओंकार का अर्थ है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करेंगे तीन बार मुद्रा लेकर। बाद आपने जो वाइब्रेशन फील की ओम का उच्चारण करने के दौरान, उस वाइब्रेशन को समझेंगे कि क्या वो हमें पॉजिटिविटी दे रही है। और इसी चीज को मेडिटेशन कहते हैं। जब आप सोचते हैं बिना कुछ बोले, मन में जो विचार आए आने दें, मेडिटेशन करेंगे।
धीरे धीरे हाथ को रगड़ना, चेहरे पर दबाना। सारे अंगों को छुएंगे ताकि जो आपने मेडिटेशन किया वो आपके हाथों में आए, हाथों से चेहरे, चेहरे से सभी अंगों। धीरे धीरे पैर को नीचे रखने के बाद ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को कैसा लगा बेटा? सर बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा। चलिए बहुत बढ़िया। नमस्ते आचार्य। अगर ऑडियंस खुश तो हम भी खुश। हमारे लिए ऑडियंस ही दर्शक, एक फिल्म बनती है तो दर्शक जब उसको हिट कर देते हैं तो फिल्म हिट मानी जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। ढेर सारा आशीर्वाद। हमेशा बैकबोन स्ट्रेट, अच्छी क्वालिटी तभी डेवलप। चलिए तो अब हम आज के अगले, बिना समय गवाए हुए हम आज के अगले पड़ाव पर आते हैं। और सब लोग वो श्लोक ना सकती हूँ। अच्छा हाँ, तुम्हारा नहीं हुआ था ना। अच्छा जहानवी, तो वो नेटवर्क से लीक हो गई थी। जल्दी जल्दी से सुना दो बेटा, लेट हो रहा है। जल्दी सुना। क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलि क्रिया, क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलि क्रिया, नाश्यते पात्रदानं भयं सर्वदेहिनां, नाश्यते पात्रदानं भयं सर्वदेहिनां। इसका मतलब है जीवन समाप्ति के साथ ही सभी प्रकार के दान यज्ञ और होम समाप्त हो जाते हैं, किंतु श्रेष्ठ सुपात्र को दिया गया दान और अभ्यदान कभी नष्ट नहीं होता। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आदमी का कर्म जो है उसकी उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, कलाम सर, विवेकानंद जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, वल्लभ भाई पटेल जी, नेताजी। अगर राजनीतिक लोगों की बात करें, ठीक है, वैसे सारे लोग, राम कृष्ण परमहंस, ये सब लोग इस बात के एग्जाम्पल हैं कि इन लोगों ने जो भी कर्म किया, जो दान दिया, वो हमेशा याद किया जा रहा है। ठीक है, सब कुछ तो विद्या, अंत में हम हर बार यही देखते हैं कि विद्या जो है अच्छी विद्या ही हमेशा काम आती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जाह्नवी को। अब हम आते हैं आज के अगले पड़ाव में। और कल का हमने क्या बोला हुआ आपको? कल के लिए नहीं बोला है, कुछ बताया नहीं, बताया आपने कल का बताया नहीं है ना। चलिए कल का हम यूरोप रखते हैं, ठीक है। आज हमने एशिया को चूज किया, कल हम क्या रखेंगे? यूरोप, यूरोप के कंट्रीज और उनके कैपिटल, ठीक है। अच्छा, एक हमने इंक्लूड किया है कि आज बच्चे जो है अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको तैयार कर लेना है। और किसी दिन जो है हम आपको उसके लिए आपको बोलेंगे। आज उन्नति नहीं आई है ना? अच्छा चलो ठीक है, तो आप तैयार हैं? सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आप लोग कैमरे के सामने जाइए। हाँ मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ मेरी आवाज आ रही है। यस यस सर। और जिससे पूछूंगा वही मुझे बताएगा। और मैं ऑर्डर बना देता हूँ, सबसे पहले आपका ऑर्डर मैं बना देता हूँ। आप लोग अपना रिवाइज करना हो तो 10 सेकंड्स में रिवाइज कर लो, 10 सेकंड्स में रिवाइज कर लीजिए आप। टेन सेकेंड्स में रिवाइज कर लीजिए। और चैट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं चैट बॉक्स में देखूंगा, चैट बॉक्स में बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में लिखना है। चैट बॉक्स में लिखोगे इसलिए बेटा कि हम
देख लेंगे सबसे पहले कौन बोलने से क्या होगा ना कि एक साथ सारी आवाजें आएंगी तो किसी की पता ही चलेगा कौन पहले लिखा तो आप जिसका क्या। नाम लेंगे वो तो बोल सकता है ना। हाँ बेटा लेकिन जिसका नाम लेंगे मान लो उसको नहीं आएगा ऐसे पता चल जाएगा कि कौन पहले आंसर दे रहा है। ठीक है कोई दिक्कत है चैट बॉक्स में लिखने में तो मैं पूछ के ही करूंगा। दिक्कत है चलो नहीं ओके चैट बॉक्स में दिक्कत है किसी नहीं। बच्चे को दिक्कत एक मिनट रुक जाओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम चैट बॉक्स में लिखने में ओके चलो रेडी भाव्या एनी प्रॉब्लम नहीं सब सारे बच्चों से पूछ लू मैं पहले भाव्या मनीषा ओके और अदिति नो सर प्रिया नो सर एल कौन एल लक्ष्मी लक्ष्य नो सर ओके गेट रेडी पहला कंट्री है अफगानिस्तान सबका सही है लेकिन पहले मैंने दूसरा है आर्मेनिया आर्मेनिया सबसे पहले देख लीजिएगा जल्दी से करना जापान जापान इसके बाद है बांग्लादेश कंबोडिया 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 देख के नहीं करना बेटा कोई भी कंबोडिया टाइम अप चाइना फाइव सेकेंड से ज्यादा टाइम चाइना नेक्स्ट टाइम अप ईस्ट तिमोर ईस्ट तिमोर भेज दिया ईस्ट तिमोर सुजान से सही लिखा सुजान से रिटन करेक्ट है दिल्ली दिल्ली नहीं नेक्स्ट इराक इराक फाइव सेकंड से ज्यादा नहीं फाइव सेकंड के बाद कैंसिल इजराइल 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 बोलना नहीं बोलोगे तो किर्गिस्तान 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 पांच सेकंड से ज्यादा नहीं वन टू थ्री फोर फाइव टाइम अप मालदीव्स मालदीव्स वन टू थ्री वो की नहीं है फोर फाइव एम ए एली के ऊपर अपना देखिए म्यांमार म्यांमार चेंज हो गया म्यांमार गलत चेंज हो गया म्यांमार गलत ठीक बंद पाकिस्तान
वन टू थ्री फोर फाइव, टाइम अप। ओके, श्रीलंका, वन टू थ्री फोर फाइव। श्रीलंका की राजधानी चेंज हो गई है, कोलंबो से जयवर्धने हो गए। चलिए नेक्स्ट, फिलीपींस, फिलीपींस, वन टू थ्री फोर फाइव। फिलीपींस मनीला में वर्ल्ड राइस इंस्टीट्यूट है, मनीषा में वर्ल्ड राइस इंस्टीट्यूट है, मनीला में, सॉरी मनीला में वर्ल्ड राइस इंस्टीट्यूट है। वियतनाम, वियतनाम, वन टू थ्री फोर फाइव, यस हनोई, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, यूएई, यूएई, वन टू थ्री फोर फाइव, टाइम अप। नेक्स्ट ताइवान, वन, ताइवान मैंने पूछा है, वन टू थ्री फोर फाइव, टाइम अप। ताइबेई सही है। चलिए कतर, 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 वन टू थ्री फोर फाइव, कतर, दोहा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है मॉस्को, सॉरी सॉरी आंसर ही बोलती है रसिया का। चलो ओके ओके, टर्की, टर्की, वन टू थ्री फोर फाइव, करेक्ट, अंकारा इज करेक्ट आंसर। चलिए ओके 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 ओके, अब चलो ये तो हमने ले लिया बच्चों से। अच्छा कुछ और पूछ लूं, लेबनान, 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 वन टू थ्री फोर फाइव, टाइम अप। लेबनान, बेरूत। चलो चलो मैंने एक चलो टेस्टिंग ओवर, चलो इतने ही सारे मैंने पूछ लिए। एक आप क्या बेटा, सर इंडिया का तो पूछा ही नहीं। मालूम है ना, इंडिया का नहीं पूछना है मुझे। इसलिए आपने उज़्बेकिस्तान का भी नहीं पूछा। किसका? नहीं, बहुत सारे कंट्री का छोड़ दिया बेटा। बस मेरा अप्रोच ये है कि आप लोग, आप लोगों को जानना चाहिए, धीरे एक एटीट्यूड तो आ रहा है ना कि आप लोग कंट्री सबका नाम आप याद कर रहे हो ना बेटा। चलिए ओके, चलिए तो आप लोग चैट बॉक्स कॉपी करके देख लेना कि कौन किसको कितने मार्क्स मिले। जो फर्स्ट थ्री हैं उन्हीं को मार्क्स मिलेगा, फर्स्ट थ्री, ठीक है? जो आप अपना चैट बॉक्स कॉपी कर लेना और मुझे मनीषा, प्रिया, जानवी में से कोई जो है मुझे बता देना कि किसको कितने मार्क्स मिले। ओके, चैट बॉक्स कॉपी कर लो। चैट बॉक्स कॉपी कर सकते हो आप सारे बच्चे? मैं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप कर लीजिए और आप अपने मार्क्स बता दीजिएगा, ग्रुप में पोस्ट कर देना, ग्रुप में पोस्ट कर देना, मुझे मत भेजना, ग्रुप में पोस्ट करना। जब आप ये सब एक्टिविटीज पोस्ट करोगे ना तो बाकी जब बच्चे देखेंगे तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगा। चलो थैंक यू फॉर योर पेशेंट पेशेंस लर्निंग एंड लिसनिंग एंड फॉलोइंग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम आज की सभा का समापन करते हैं। कल का जो एक्टिविटी है आप पोस्ट कर देंगे ग्रुप में ताकि बच्चों, बाकी बच्चों को प्रेरणा मिले। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बाय।